जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य वे सिद्धांत है, वे धारणाएं हैं जिसके लिए व्यक्ति कार्य करता है, और व्यक्ति अपने सुविधाओं को भी सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी सुविधाओं को सेक्रीफाइस करता है, अपने आराम को सेक्रीफाइस करता है, और इवन वो अपने जीवन को भी सेक्रीफाइस कर देता है अगर वो मूल्यों के विरोध है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने राजा जो है महाराजा अपने युद्ध में करते थे कारण कि उनको अपनी मातृभूमि से बहुत ही लगाव रहा है, और यही चीज़ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन के लिए भी सेक्रीफाई मतलब जीवन मूल्य होते हैं। अनेक समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिकों ने जीवन मूल्य को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया है। इसमें ग्रोस एंड क्रेंडल, इसने बताया है कि इट इज़ ए कॉन्सेप्ट, इन्होंने बताया है कि यह वह संप्रत्यय है जो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, और वो वांछनीयता का संप्रत्यय है जो हमारे व्यवहार को, हमारे कार्यशैली को और हमारे उद्देश्यों को प्रभावित करता है। देखिए, हमारे उद्देश्य भी प्रभावित होते, कार्यशैली भी प्रभावित होती और व्यवहार भी। इस प्रकार डिज़ायरेबल चीज़ जो है वो जीवन मूल्य है। इस दूसरा चीज़ बताया है रोकी मिल्टन ने बताया है कि इट इज़ एन एंड्यूरिंग बिलीफ, मतलब हमारे एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विश्वास है। स्पेसिफिकली जो हमारे व्यवहार को और हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी, हमारी व्यक्तित्व को के अस्तित्व के लिए और सोशली वांछनीयता के लिए जो जरूरी है वो व्यवहार ही जीवन मूल्य है। हेल्टमैन ने बताया है कि वे जीवन मूल्य वे विश्वास हैं जो कि हमें बाह्य प्रकट होते हैं और हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व में निहित रहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि जीवन मूल्य जो है हमारे व्यवहार को, विश्वासों को और हमारी बुद्धिजीवी क्रियाओं को और हमारे मतलब इच्छाओं को, हमारे आवश्यकताओं को और हमारी फीलिंग्स को जो अर्जेंट है, इन सबको गवर्न करने वाले ही जीवन मूल्य हैं। इस प्रकार जीवन मूल्यों को अगर हम नहीं रखेंगे, हम अपने मूल्यों के प्रति स्पष्ट होना पड़ेगा, मतलब हर व्यक्ति को जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और लक्ष्य को मतलब लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त करना है उसका भी उसको तरीका देखना पड़ेगा। हम इधर हर कोई चीज़ जो है, हर किसी तरीके से अगर वांछनीय अवांछनीय ढंग से अगर उसको अचीव करना चाहेंगे तो वो हमारे लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम लक्ष्य पे पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए लक्ष्य पे पहुँचने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन मूल्यों को पहले निर्धारित करें कि हमें अगर सच बोलना है तो सच ही बोलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हमारा लक्ष्य जो लक्ष्य प्राप्त करने में अगर बाधा भी आए तो भी सत्य बोलिए, ताकि आप में विश्वास रहे, आप में आत्मविश्वास रहे। जो व्यक्ति मतलब मैंने देखा है कि जो व्यक्ति चोरी करता है ना, उसको उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है उसको कार्य करने के पीछे जो है। जैसे मैंने देखा है परीक्षा में जो बच्चे नकल करते हैं, उनको याद ही नहीं होता है, उनका कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि कैसे इनके से नकल से पास होना है। तो इस चीज़ को इस तरह से हम देखेंगे कि व्यक्ति का आत्मविश्वास वांछनीयता की ओर रहता है, अच्छे कार्य की ओर रहता है और उसी से बढ़ता है और कार्य की सिद्धि भी होती है। आपने चाहे भले आधे रास्ते गए हों, आधा उद्देश्य अचीव किया हो या कुछ बाधाएं आ रही हों, तो बाधाओं को पार करने के लिए आप शॉर्टकट्स मत अपनाइए। जीवन के शॉर्टकट्स अपनाने से हमेशा परेशानी ही होगी। तो इसलिए मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए, जीवन में परिश्रम का मूल्य समझिए, जीवन में आप ईश्वर का मूल्य समझिए, आप आध्यात्मिक बनिए, जीवन में वांछनीय दर्शन जो है, जीवन की मूल्यों को समझिए। आप जैसे कुछ तो हमारी जो है
अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को जो है हमें पूरी करनी है, तो उनके लिए पहले मूल्य निर्धारित करिए। तो आवश्यकताओं में ये आप देख लेंगे, ये डायग्राम देखेंगे जब वीडियो तो ही नहीं ना। तो विकसित होते हैं जीवन मूल्य तीन तरह से विकसित होते हैं। एक तो व्यक्ति के व्यवहार से, दूसरा हमें पता लग सकता है कि उसके माता पिता उसको क्या चीज़ें गाइड करते हैं। अगर माता पिता के इंस्ट्रक्शन से भी जीवन मूल्यों को पता लगता है कि उनके जीवन मूल्य क्या है उस बच्चे के जीवन, बच्चे या युवा पीढ़ी के, और तीसरा उसका टोटल व्यवहार, कुल व्यवहार जो है वो भी उनके जीवन मूल्य का इंगित करता है। अगर वो मूल्य सही नहीं बन रहे हैं तो उनको सही बनाने की जिम्मेदारी भी शैक्षिक संस्थाओं की और समाज की और परिवार की सारी है। अगर मतलब बच्चे में मूल्यों का निर्धारण नहीं हो रहा है तो हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम कहते हैं नमस्ते करो, जय जय करो, जय जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, इस प्रकार जो है बच्चे को हम अभिवादन, बड़ों को अभिवादन करना सिखाते हैं, बड़ों को बड़ा संबोधन में अलग बताते हैं कि इनको दीदी बोलो, आंटी बोलो, भैया बोलो, सर बोलो, मैडम बोलो। ये उसको व्यवहार में होना चाहिए कि क्या अंतर है घर के, मतलब उसको व्यवहार का कुशल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जीवन मूल्यों को हम पनपाएं। दैनिक जीवन में जो जीवन मूल्य हैं वो हम मतलब हम सोचते हैं कि हमने इच्छिक रूप से चॉइस किया, निर्णय लिया, चुना है, परंतु वो हमारे जीवन मूल्यों पर निर्भर करता है। हम अल्टरनेटिव्स को, हमारे पास तीन चार चॉइस होती है या विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से एक को चयन करते हैं, उसके चयन के कारण पीछे उसका जीवन मूल्य है, व्यक्ति का जीवन मूल्य है। और इस प्रकार जो है हमारे जब जीवन मूल्य दृढ़ हो जाएंगे तो हमारे कार्य करने में, निर्णय लेने में सहजता आ जाएगी। अगर हम मतलब कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति कई बार कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन का कारण ही उसके जीवन मूल्यों को समझ नहीं पाना है। अगर वो अपने जीवन मूल्यों को समझ पाएगा तो उसका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे जीवन में एक दिशा बोध भी आ जाता है। हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों करना है और उसके पीछे सिद्धांत क्या है, ये सभी हमारे जीवन मूल्य को बताते हैं। अर्थात मूल्य से हमारा लक्ष्य और हमारे कार्य का स्तर दोनों ही निर्धारित होता है और ये तीनों आपस में लिंक्ड है। जीवन मूल्य, गोल्स एंड स्टैंडर्ड, हम किस स्तर से काम करते हैं, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जीवन मूल्य जो है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, हमारे वातावरण को टोटली प्रभावित करता है। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसके उससे ज़्यादा अंदर होता है वो सोशल एनवायरनमेंट है, और वैल्यूज़ जो है हमारे को चेंज और कंट्रोल करता है वो हमारा टोटल एनवायरनमेंट है। तो इस प्रकार जो इनर एनवायरनमेंट है वो भी हमें उसी प्रकार कंट्रोल करता है, वो जीवन मूल्य हमें नियंत्रित करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है। हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट किस प्रकार से होगा, चारों ओर घर कैसा रहेगा, व्यवस्थित कैसे रहेगी, हम क्या खाएंगे, क्या अपनी पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये सारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल में हम कैसे मित्र रखते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी गतिविधियाँ करते हैं, ये सारा ही हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम क्या पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, ये सारा चीज़ आ जाएगा। सामाजिक एनवायरनमेंट में भी ये आ जाएगा कि आप समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, कितने कहाँ खाना खाने जाते हैं, सामाजिक में किस प्रकार आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं,
इस प्रकार जो जीवन मूल्य है वो टोटल हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, हमारे व्यवहार का नियंत्रण करता है और कंट्रोल करता है। तो हमें अगर मूल्य समझ में आ जाए तो हमारे कई सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें इस चीज़ को ही मानना है। जैसे शाकाहारी व्यक्ति है, शाकाहारी व्यक्ति जानता है कि उसे जो चीज़ खाना है उसको मालूम है, जो शुद्ध जैन है वो जैनी व्यक्ति जानता है कि उसे क्या सब्जी खानी है। तो इस प्रकार अगर उसको खान भक्ष अभक्ष का कॉन्सेप्ट है तो वो जो है व्यक्ति सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। अच्छा, कुछ समय में कुछ वैल्यूज़ को हमें समय समय पे कुछ बदलती भी है और कुछ नियंत्रित भी होती हैं वातावरण से, तो हमें उनको चेंज को समझना पड़ेगा। मूल्यों के प्रकार, जीवन मूल्य को अगर हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे तो संभवतः हम कुछ समझ पाएंगे। कुछ जीवन मूल्य तो हमारे कोर होते हैं, बेसिक मूल्य हैं जिनको मानना ही है, और कुछ विशेष मूल्य होते हैं हर एक टास्क से जुड़े हुए, हर एक कार्य से जुड़े हुए। जो कैटेगरी रूल्स हैं अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के, अलग अलग परंपराओं के और संस्कृतियों के, तो वो स्पेसिफिक है। कोर बेसिक जीवन मूल्य, कोर जीवन मूल्य तो कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, कहीं भी रहो, वो इंसान के कोर मूल्य हैं। इस प्रकार दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो है ओवर्ट वैल्यूज़ एंड कोवर्ट वैल्यूज़। ओवर्ट यानी बाहर दिखने वाली जो है, हम का व्यवहार से हम जिन मूल्यों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ओवर्ट वैल्यू कहलाती है, और कोवर्ट वैल्यू वो है जो कार्य के पीछे छुपी हुई है। व्यक्ति कार्य कर रहा है परंतु सामने वाले को मालूम नहीं है कि उसके कार्य का उद्देश्य क्या है, वो कार्य नज़र आ रहा है परंतु उसके मूल्य नहीं नज़र आ रहे। इसी प्रकार जो है वैल्यूज़ के तीन फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो कंसीव्ड वैल्यूज़ हो सकती है, मतलब जो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम सदस्यों से। एक प्रिफर्ड वैल्यूज़ हो सकती है जिसको कि डिज़ायर कहते हैं, मतलब हमारी वैल्यूज़ जो हम प्रिफर करते हैं, करते तो हैं कार्य परंतु जो वांछनीय है वो वैल्यूज़ हो सकती हैं। और दूसरी हो सकती है ऑपरेशनल वैल्यूज़, कि हम जो कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वैल्यूज़ का अलग अलग स्तर हो सकता है, कई व्यक्तियों का प्रिफर्ड वैल्यूज़ पे ही काम करते हैं, कई ऑपरेशनल लेवल पे जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो उस तरह से कार्य करते हैं, और कोई सिर्फ कंसीव वैल्यूज़ पे ही काम करते हैं। जीवन मूल्य हमारे और भी देख सकते हैं हम, फिलोसॉफिकल जीवन मूल्य है, साइकोलॉजिकल जीवन मूल्य है, और सोशल, मतलब व्हाट इज़ द फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी बिहाइंड द सोशल बिहेवियर, तो इसके भी जीवन मूल्य हम अलग अलग कर सकते हैं। उसके अलावा हम बाह्य जीवन मूल्य, एक्सट्रेंसिक जीवन मूल्य और आंतरिक जीवन मूल्य, इंट्रेंसिक जीवन मूल्य भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीवन मूल्य अनेक प्रकार से हम जज निर्णय ले सकते हैं कि किस व्यक्ति का जीवन मूल्य किस तरह से विकसित हो रहा है, क्योंकि जीवन मूल्य वो जजमेंट है, वो क्राइटेरिया है जिसके जो व्यक्ति को हांकता है, जिसे घोड़े की लगाम है। घोड़े की लगाम, बिना लगाम के अगर हम घोड़े पर चढ़ जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसी प्रकार ये जीवन मूल्य हमारे जीवन की लगाम है, हमें दिशा निर्देश देता है, हमें बोध देता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है और कहाँ चलना है। जीवन मूल्य हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी डिज़ायर्स को भी नियंत्रित करते हैं। व्यवहार को टोटल नियंत्रण जीवन मूल्य से है। जैसे एक इतना बड़ा हाथी छोटे से होदे से उसका जो औजार है, एक कंट्रोल करने का तरीका है, उसी से हाथी नियंत्रित होता है। तो एक छोटा सा होदा, लोहे का चाकू टाइप जो है, लोहे की त्रिशूल होता है छोटा सा, जो करीब एक डेढ़ फीट का होता है, उससे वो महावत हाथी को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार वो हाथी को नियंत्रित करने वाला इतना छोटा सा औजार होता है,
तो भला मनुष्य के व्यवहार को, मानव का व्यवहार को नियंत्रित करने वाला जीवन मूल्य होने बहुत ही आवश्यक है। जब व्यक्ति में जीवन मूल्य नहीं पनपते हैं तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। मतलब जो व्यक्ति अपराध वृत्ति करते हैं, व्यक्ति गलत रास्ते जाते हैं, व्यक्ति जो कोई असामाजिक कार्य करते हैं, उसका वो कारण ही यही है कि उनमें सही जीवन मूल्य विकसित नहीं हुआ है। तो हमें सभी जीवन मूल्य पहले बचपन में विकसित हो जाएंगे। इसके साथ मुझे एक कहानी याद आ गई है कि एक अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी चढ़ाई गई थी और फांसी का जजमेंट दिया था। और तो उस व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है जिसको फांसी मिल रही थी। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। सबने सोचा ठीक है भाई, हर व्यक्ति अपनी माँ को प्यार करता है। तो वो माँ से मिलने का कहा तो उसकी माँ को लाया गया। अब जैसे ही माँ कोर्ट में पहुँची, उसने क्या किया कि उसका नाक काट लिया। तो कि ये क्या किया? तो उसने पूछा ये क्या काम व्यवहार कर रहे हो? जज ने पूछा तो कि मैं क्या करूँ, मेरे को चोर भी इसी ने बनाया। जब मैं छोटी छोटी चोरियाँ, मैं डाकू इसी के कारण बना हूँ। मैं छोटी छोटी चोरी, जब वो व्यक्ति छोटी छोटी चोरियाँ करता था तो उसकी माँ जो है उसको प्रोत्साहित करती थी, अरे वाह ठीक किया, तू पेंसिल ले आया, अरे तू रबड़ ले आया, चलो अपने 5 रुपये बच गए, चलो अपने 2 रुपये बच गए, चलो अपने ये हो गया। तो इस प्रकार उसको प्रोत्साहित करना करती थी। तो इस कारण से उसको चोरी की आदत पड़ गई। मतलब माता पिता को तो ज्ञान होता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्या जीवन मूल्य विकसित करें। इस प्रकार हमें ये देखना होगा कि समाज में जीवन मूल्य क्या चल रहे हैं और व्यक्ति के जीवन मूल्य क्या है। वांछनीय व्यवहार उसको मालूम होना चाहिए कि क्या वांछनीय है और कैसे उसकी पूर्ति करें। व्यवहार अगर कुछ इच्छा है तो उसकी पूर्ति करने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और फिर भी वो 2000 रुपये का पेन लाना चाहता है, तो उसकी जो उपयोग चीज़ की उपयोगिता के आधार पर उसको 10 रुपये के पेन से भी काम चल जाता है और 2 रुपये के पेन से भी, यूज़ एंड थ्रो पेन से भी काम चल जाता है। तो इस प्रकार जो है ना, हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे को हम कितना सादगीपूर्ण रखें। देखिए मतलब होता क्या है कि हम बरसों से अभाव में जीते आ रहे हैं और जैसे ही बच्चा एकदम देखता है मतलब शहरी वातावरण को, तो उसको लगता है कि हम मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। परंतु उसके पास रिसोर्सेज सीमित होते हैं, हमारे पास साधन सीमित होते हैं। परंतु उसको हमें समझाना पड़ेगा कि हमें अपने सीमित साधनों में किस प्रकार से कार्य करना है और कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और कौन सी इच्छाएं वांछनीय है, कौन सी अवांछनीय है, किसको हम किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं। जीवन मूल्यों में भेद, मतलब जीवन मूल्य क्या है कि व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप हो जाती है उसकी व्यक्तित्व तो अलग तरह की होता है, और जिनके मतलब ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, उनके जीवन मूल्य अलग तरह के होते हैं। इस प्रकार हम जीवन मूल्यों को देख सकते हैं। मतलब वेरिएबिलिटी होती है और विजिएबिलिटी भी होती है। हम जीवन मूल्यों को व्यवहार से देख सकते हैं और उनकी जो है कंटिन्यूटी रहती है। सामान्यतया जीवन मूल्य अगर एक बार बन जाए, जैसे पंक्चुअलिटी है, व्यक्ति अगर समय पर पहुंचने की आदत व्यवहार अगर डेवलप कर लेता है तो वो हमेशा पंक्चुअल रहेगा कोई भी स्थिति में हो। और इस प्रकार वो जो है जीवन मूल्य हमें सहायक होते हैं कार्य में। मतलब कंट्रोल तो करते ही हैं परंतु हमारा कार्य में सहायता भी करते हैं। जीवन मूल्यों से हम एक डेफिनेट मतलब कार्य कर सकते हैं और हमारे को क्या है कि आत्मविश्वास भी रहता है, सेल्फ इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। इस प्रकार मूल्य अगर हमारे पास हो, हमारे मूल्य हमको ज्ञात हो, तो हम क्या कार्य कर रहे हैं उसको हम सही ढंग से कर सकते हैं। हमारे को व्यवहार को गाइड करता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित भी करता है और व्यवहार को सही दिशा में ले जाता है। तो ये जीवन मूल्यों के बारे में मतलब इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन मूल्य निर्धारित करें, जीवन के कुछ कोर वैल्यूज़ जो है वो निर्धारित करें और उन मूल्यों को
एक्सप्लिसिटली आप अपने आप को समझे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस रास्ते पे जा रहे हैं, और उस अगर कहीं आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते से थोड़ा सा भटक रहे हैं तो उस भटकाव को बंद करिए। अगर भटकाव में आप जा रहे हैं भटकने पे, या आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर गलत दिशा में जा रहे हो, मान लीजिए आपको, मतलब मैं एक व्यक्ति को यही उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए हम सबको रेल में जाना है, एक डेफिनेट रेल में, तो हम किसी के दूसरे के घर पे नहीं जाएंगे, हम सब अपने अपने घर से रवाना होंगे। तो हर एक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो एक ही गोल पे जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर है, हमारे रास्ते अलग अलग है, धर्म अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हमें पहुंचना सबको एक जगह है और एक ही समय, मतलब हो सकता है कोई जो पास में रहता होगा वो जल्दी चला जाएगा, कोई दूर रहता होगा उसको ज़्यादा समय लग सकता है, उसको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक ही मार्ग पे जाने के लिए, एक ही गोल लक्ष्य को पाने के लिए हमें अलग अलग रास्ते से गुजरना होगा, और रास्ते अलग होने से धर्म, मतलब वो हमारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद भी नहीं होना चाहिए, मतभेद भी नहीं होना चाहिए। इसी के अलावा एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन को समझना पड़ेगा। हम मतलब मानव से मानव, मानवता की ओर बढ़े, दानवता की ओर नहीं, हम मनुष्य रहे, और मनुष्य में भी मतलब अगर जहाँ भी रहते हैं, जिस भी वतन में रहते हैं, वो वतन हमारा है, हमारे वतन को जिससे हमारा तन बना है वो वतन है। इसलिए वतन को आप अपने, मतलब अगर आप अपने तन को संरक्षित करना चाहते हैं, तन का जिसके प्रति लोयल है, तो लोयलिटी स्टैंड्स फॉर वतन, आवर कंट्री। हाँ जी, जीवन मूल्य ऐसी है कि अगर अवांछनीय जीवन मूल्य चल रहे हैं, अवांछनीय व्यवहार चल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अवांछनीयता की ओर बढ़ रहा है, और उसको फिर से पुनः इनकरेज करने की बजाय उसको डिस्करेज करना पड़ेगा, सोशली डिस्करेज करना पड़ेगा, फैमिली से डिस्करेज करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट से, टोटल एनवायरनमेंट से डिस्करेज करना पड़ेगा। मतलब उसको डिस्करेज करने के लिए हम ये कहेंगे कि आप उसको अपने व्यवहार को, उसको नियंत्रित करिए, उसको कुछ हानि दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको मतलब एनकरेज मत करिए, उसको प्रोत्साहन मत दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, अब चोरी करके वापस समाज में जाता है, मतलब जेल से छूटा मान लो, और जेल से छूट के वापस समाज में जाता है और फिर से वो चोरियाँ करने लगता है, तो इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि वो चोरी नहीं करे। अगर वो उसका व्यवहार, उसके वातावरण के लोग नियंत्रित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वातावरण में ही दोष है, टोटल वो ही चाहते हैं कि वो बच्चे चोरी करें। तो इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि जिसे बच्चा झूठ बोल, मतलब किसी को मारपीट करके आता है, अब हम तो बच्चे को सही समझाते हैं कि भाई मारपीट नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग छुरेबाजी भी करते हैं, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि जो मारपीट कर रहा है, जो लड़ाई कर रहा है, वो लड़ाई नहीं करे, उसके माँ बाप उसको नियंत्रित करें, उसका समाज उनको नियंत्रित करे, उनका परिवार उनको नियंत्रित करे, तो ही वो व्यक्ति नियंत्रित होगा, उसके घर वाले भी उसको नियंत्रण में रखेंगे, और वो बचपन से चलेगा। अभी मतलब बड़े होकर के जब वो ज़्यादा इंटेंसिव हो जाए, तब तक की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। हम तो छोटा बच्चा जैसे हुए, अगर माँ पे हाथ भी उठाता है, बच्चा प्यार में उठा देता है, माँ को मारता है, पिता को मारता है, उनको लगता है अरे बच्चा मार रहा है मेरे को, अच्छा है, परंतु जब वो बड़ा होकर मारेगा तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। तो इसलिए उसको हम छोटेपन से ही डिस्करेज करते हैं कि वो माँ बाप पे हाथ नहीं उठाए। तो ये चीज है कि हमें बचपन से उसके व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ेगा, और अनडिजायरेबल को अनडिजायरेबल ही रहेंगे। मतलब हम आजकल अखबार में बराबर देखते हैं, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, इसकी ओर आसान जीवन के लिए बढ़ रहे हैं,